हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। सो गाइस, आप लोग इस समय देख रहे होंगे, एक डॉग लवर है अगर जो, तो इस समय एक संची की दुनिया जो हमारे बड़े भाई हैं वो लखनऊ में रहते हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल और दो लगभग यूट्यूब चैनल उनका है, गणेश वर्ल्ड करके और एक संची की दुनिया। तो उन्होंने एक वीडियो अभी हाल ही में अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, डेजी और ब्रोनो की मीटिंग थी और भाई पहली बार लाइफ में लगा है। तो यार मीटिंग की वीडियो की बात अगर हम करें तो कोई एक अंकल जी हैं स्कूबर वाले, तो इनका एक दावा है कि ये मीटिंग जानबूझ के करवाई गई है। आप लोगों ने भी वीडियो को देखा होगा और क्लियर होगा कि मतलब ये मीटिंग कैसे हुई। तो मीटिंग आप लोग वीडियो में साफ साफ, चलो शुक्र है कि संचित भाई ने इस वीडियो को मतलब अपने फोन में रखा था, नहीं तो फिर तो ये तो इनको एकदम फ्रॉड ही साबित कर देते कि हाँ इन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है। लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा यार कि मतलब वो किसी भी एंगल से मीटिंग जानबूझ के कराई गई है। हालांकि वीडियो आप लोग भी अभी देखिएगा और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये क्या मतलब, क्या रियल में मीटिंग जानबूझ के कराई गई है या फिर बिना जानबूझ के कराई गई है। अभी अभी थप्पड़ खाओगे बीच बाजार में, अभी थप्पड़ खाओगे बीच बाजार में तुम। खा गए थप्पड़, खा गए, करवा ली बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती, सही हो गए। नहीं यार कुछ नहीं करेगा, ब्रूनो फिर से आया डेजी के पीछे एंड ये पक्का फिर से अभी डेजी से डांट खाएगा। छोटे बच्चे भी यहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे हैं, डेजी मिष्ठी बुला रहे, बार बार मिष्ठी नहीं बुला रहे, डेजी बुला रहे, क्योंकि डेजी को जानते हैं। अबे मिष्ठी तुमको कितनी बार गरी आएगी यार। नेचुरल लॉग भाई पहली बार लाइफ में लगा है ब्रूनो की पहली मीटिंग में, तफरी तफरी में ऐसी चीज हो गई, बताओ। आशीष कैसा लग रहा है आपको, क्या आप आशीष विद डेजी पे ये वीडियो डालना चाहेंगे? हम ये वीडियो आपको दे देंगे एचडी क्वालिटी में। ये वो ब्लॉग चैनल बनाते हैं तो ब्लॉग वीडियो बेचारे बनाते रहते हैं संचित भाई। गाइस वो रोज डेली के तरह मतलब पार्क में अपने डॉग के साथ फैमिली के साथ घूम रहे थे, मतलब उनको वॉक करा रहे थे। तो आप लोगों ने अक्सर वीडियो अभी देखिएगा तो पता चलेगा कि वो वाकई में उस ब्रोनो को बार बार मना कर रहा है। हालांकि उनका काम है ब्लॉग बनाना, तो वो ब्लॉग भी बना रहे हैं अपना, उसमें बिजी हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि, और वाकई में बात तो ये सच है कि अगर वो ये मीटिंग जानबूझ के क्यों कराएगा, क्यों, उससे उनका कोई फायदा तो है नहीं। अगर लखनऊ में बहुत सारे मेल होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में देखिए एक पार्क में एक मेल और आया हुआ है, वो भी लेबरा का मेल है। तो लेबरा का जो मेल है वो चाहते तो उनसे भी मिलके वो लोग मीटिंग करा सकते थे, लेकिन उनका मानना यही था कि ब्रूनो को अभी 10 महीने का है तो वो मीटिंग तो कर नहीं पाएगा। हम लोग जो कर रहे हैं अपना ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और अगर चाहते तो वो जो उनके भी परिचय का, उनके मोहल्ले का ही मेल था, वो जो एक जो भाई का डेजी था, उनका नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो वो अगर चाहते तो उस मेल से भी कंसल्टेशन करके वो मीटिंग करा सकते थे। लेकिन उनको ये पता था कि हम लोगों ने कई मेल से ट्राई किया लेकिन उसकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो उनको भी लगा कि यार ऐसा कुछ होगा नहीं, मीटिंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि डेजी और ऑलरेडी डेजी उसके ऊपर बात कर रही है। और आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा कि जो भी हैंडलर यूज करते हैं मीटिंग कराने के लिए, उनका वो मुंह बांध देते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मीटिंग कराते हैं, तब जाकर वो मीटिंग हो पाती है। नॉर्मल तरीके से आप अगर कराएं तो आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो कि एक लेबरा एक जैसा मतलब डॉग जो एकदम फैमिली डॉग होते हैं, वो डॉग जब मतलब उसके ऊपर बार कर रही है तो आप सोचो कि कैसे मीटिंग और लोग और नॉर्मल डॉग कैसे होते होंगे। तो हैंडलर से जब उन लोगों ने ट्राई किया तो मीटिंग नहीं हो पाई, तो आप सोचो कि वो जानबूझ के कैसे मीटिंग कराएंगे। मीटिंग जानबूझ के होने का दूसरा प्रोसेस होता है, उस तरह से होती है। और डेजी जैसा कि भाई ने बताया कि वो अलाउ नहीं करती थी किसी भी मेल को, और ऑलरेडी आप वीडियो में देखिए कि मतलब वो ब्रोनो जो डेजी है वो ऑलरेडी उसके ऊपर बार बार कर रही है ब्रोनो के ऊपर, और इन लोग भी सारे लोग उसको मना कर रहे हैं।
कि नहीं ब्रोनो नहीं। तो जैसे कि वो ब्लॉग चैनल ब्लॉग चैनल उनका ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, तो इसी तरह से वो ब्लॉग शूट कर रहे थे कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हो जाए, ऐसा होता है। तो इस वजह से अब वो बातें करते करते उन लोग थे, लेकिन मीटिंग उसमें हो गई। बल्कि उन्होंने पूछा भी संचित भाई ने कि क्या अगर ये ब्रोनो मीटिंग कर दे तो आप करा लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ करा लेंगे, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, कम से कम एटलीस्ट बच्चे को घर पे आए कम से कम उस तरह से, क्योंकि इसकी मीटिंग हो नहीं पा रही है। और हाँ यार, अगर वाकई में जानबूझ के क्यों कोई कराएगा, 3,000-4,000 रुपए उन्होंने बच्चे बेचे, उससे क्या लाभ उनको, क्या मिल जाएगा, कितने क्या मिल जाएगा उनको? और अगर वो वाकई में लेबरा से लेबरा में कराए होते तो उसका कुछ ज्यादा ही उनको, एक बच्चा बड़े आराम से 10-12 के तो बड़े आराम से निकलता, कोई उसमें बहुत दूर आए की बात तो थी नहीं। आप लोग को भी पता है कि लेबरा का और भी डेजी की क्वालिटी आप देख रहे हो वीडियो में कितनी अच्छी है, फिर भी आप सोचो कि मतलब ऐसा कुछ होता तो खुद लेबरा से क्यों नहीं आती? अगर इतना बढ़िया फ्रेंड है वो कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर लेता, ऐसा तो था नहीं उनके पास। लेकिन अंकल जी एक तो उनकी मुझे एक हंसी आई है उनकी बातों पर, उन्होंने कहा कि एक डॉग लवर नहीं है संचित। और यार आप सोचो कि अगला 3-4-5 डॉग रखा है अपने घर पे और वो डॉग लवर नहीं है, बल्कि उनके पास जब भी स्ट्रीट डॉग भी उन्होंने रखा है और जो भी उनकी जो भी उनके डॉग है उनके घर में तक फैमिली के मेंबर की तरह एकदम अच्छे से रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को खुद जो लोग भी उनकी वीडियो देखते होंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं वो भाई संचित भाई, आप लोगों को भी पता होगा कि यार कि बंदा कितना केयर करता है उन लोगों का। तो आप सोचो एक डॉग लवर ही ऐसा कर सकता है। तो ये दोनों मेरी फैमिली, आप दोनों मेरे बच्चे, यहाँ तक कि आप डॉग लवर के बारे में क्या बताएं यार, कि पूरे घर में लड़ाई करके अगर आपको केवल घर में आपको ही पसंद है तो रोज डेली आपको किसी ना किसी से डांट पड़ती होगी, ये चीज कन्फर्म होगा। लेकिन आप डॉग लवर एक हो तो आप को पसंद है, भले कितना भी डांट सुन लो लेकिन आपको वो चीज अच्छा लगता है आपको खुद रखना। तो वही चीज मेरे भी साथ है भाई, मुझे सारे लोग बहुत ज्यादा दूसरे हिसाब किताब से देखते हैं, ये है वो ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मुझे जो इनसे प्यार वो है। सो गाइस, और ये अंकल जी का भी एक छोटा सा वीडियो है वो आप देख लो, खाता खुल सकता है और गोस्ट में सब्र नहीं है, गोस्ट सीधा अटैक मोड पे, वो गोस्ट रॉन्ग साइड, गोस्ट है तेरे पास, ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, संजीव भाई का जो भी वीडियो था बहुत अच्छा था और उन्होंने जानबूझ के कोई मीटिंग नहीं कराई। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है, कौन फ्रॉड है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे माय फ्रेंड, चलो ठीक है, तकलीफ होगा, जय हिंद।